हाय गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। भाई तो आज किसी वीडियो का अंत तक बात जरूर कर लेना। ये मेरा न्यू ब्लॉग है भाई, बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर वीडियो शूट करने के लिए अपलोड करने के लिए शूट कर रहा हूँ भाई। तो प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक बात जरूर कर लेना। मैं कुछ ऐसी आपको मजबूरियाँ बताऊँगा जिसे देखने और सुनने के बाद हो सकता है कि अगर आप भी यूट्यूब छोड़ना चाहते हो तो अब यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे भाई। मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा भाई कि यूट्यूब छोड़ोगे तो क्या, छोड़ने का नाम तक नहीं लोगे। अगर नाम भी ले लिया होगा, छोड़ भी दिया होगा, तो मैं उम्मीद के साथ करूँगी आप फिर से उसमें नए तरीके से काम करने लग जाओगे, अच्छे से फिर से काम करने लग जाओगे। प्लीज़ मेरा आपसे यही हाथ जोड़कर जो रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक वॉच जरूर कर लेना। थोड़ी लंबी वीडियो बन सकती है, मुझे पता है मेरी वीडियो आप नहीं देखोगे क्योंकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे ज़्यादा व्यूज नहीं, लेकिन हो सकता है अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम हो तो प्लीज़ इस गरीब को 5 मिनट दीजिए। आप कितना टाइम बर्बाद करने के बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें इंटरेस्टिंग कर देगा जिसकी कि आप भी कुछ ऐसा करने के लायक बन जाओगे, जो हो सकता है कि मैं जो गलतियाँ कर रहा था हो सकता है आप भी वो गलतियाँ दोहरा रहे होगे। तो प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक वॉच जरूर कर लेंगे। मेरी वीडियो अच्छी ना लगे तो मुझे कमेंट में आप गालियाँ दे सकते हो, मुझे लाइक डिसलाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए, एक दो बातें आपकी लाइफ में कुछ काम आ जाए, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में यस जरूर लिख देना प्लीज़ भाई। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। मेन टॉपिक तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये मेरी न्यू ब्लॉग है, न्यू फर्स्ट वीडियो है भाई। तो प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक वॉच जरूर कर लेना। मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं आएगी, अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, अच्छी वॉइस नहीं होगी, बहुत कुछ मतलब कि ऐसा होगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन प्लीज़ भाई वीडियो का अंत तक वॉच जरूर कर लेना। मैं आपको बहुत ही अच्छी बातें बताऊँगा भाई। कुछ समय पहले मैं भी यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था। मेरे पास ही एक छोटा सा 8-9 हज़ार का मोबाइल था जिससे मैं अच्छे से काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, अच्छे से वीडियो शूट करता, हर दिन 2-3 वीडियो शूट करके यूट्यूब पे अपलोड कर देता, अच्छे से वॉइस ओवर करता, अच्छे से मतलब कि बहुत अच्छे एडिट करता, बहुत ही अच्छे से काम करता था, पूरे दिल और दिमाग से यूट्यूब पे काम करता था। लेकिन गाइस, जैसे मेरे पास एक न्यू फ़ोन आ गया तो भाई मेरा काम करने का मन ही नहीं करने लगा और मैंने तभी से यूट्यूब छोड़ दिया। यूट्यूब पर ऐसी वैसी वीडियो अपलोड कर दिया जिसकी वजह से मेरे एक चैनल डेड हो चुका है भाई। तो भाई आप में से बहुत सारे ऐसे बंदे भी होंगे जो कि ये सोचते होंगे कि जब मेरे पास हर कुछ हो जाएगा, पूरा सेटअप हो जाएगा यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, तब मैं यूट्यूब पे काम करूंगा भाई। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, तो भाई मैं उनसे तो यही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ भाई कि जो आपके पास है, जिससे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, जो भी जितना भी छोटा मोबाइल है, प्लीज़ आप उसी से काम करना स्टार्ट कर दो। लेकिन जब आपके पास हर चीज़ हो जाएगा ना, एक न्यू फ़ोन, न्यू स्टैंड, न्यू माइक, न्यू रूम, न्यू लाइट, हर चीज़ जब आपके पास उपलब्ध हो जाएगी ना, तो मैं सही में कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ कि आपका काम करने का मन ही नहीं। आप ये सोचो कि मेरे पास तो हर चीज़ है, मुझे काम करके क्या करना है। तभी होता है भाई, मजबूरी जब होती है, मजबूरी जो मजबूरियों में भाई जो कोई रास्ता ढूंढ लेता है वही सक्सेस होता है भाई। और जो लोग मजबूरियों में सिर्फ ये सोचता रहता है कि मेरे पास जब सब चीज़ हो जाएगा तब मैं काम करूंगा, तो भाई वो कुछ भी नहीं कर पाता। जो कोई मजबूरियों में रास्ता ढूंढ लेता है उसके पास हर चीज़ हो जाता है और वो हर चीज़ कर भी लेता है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास हर चीज़ होने के बाद काम करूंगा, भाई वो कुछ भी नहीं कर सकता, लाइफ में सक्सेस कभी नहीं हो सकता मेरी तरह। और भाई एक बात मैं आपको बता दूँ, सब लोग ये सोचते हैं कि भाई कि मेरा बहुत ही ख़राब दिन चल रहा है, बहुत ही मेरे पास बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा भाई, मैं अपने दिल का हाल बता रहा हूँ भाई, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे कर्ज हो चुका है भाई, इतना ज़्यादा मोटिवेट हो चुका हूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ भाई, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई, कसम से यार समझ में नहीं आ क्या रहा। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना फिर से मैं यूट्यूब पर काम करूँ, 1-2 साल और अच्छे से मेहनत करूँगा, हो सकता है भगवान की और आप लोगों को सपोर्ट मिल जाए। भगवान प्लीज़ करो सपोर्ट भाई, ज़िंदगी में मतलब कि ये छोटी सी ज़िंदगी में भाई मुसीबतें तो बहुत आएंगी, लेकिन उन मुसीबतों का सामना करना हमें ही पड़ेगा भाई। जो कोई सामना कर लेगा वो सक्सेस हो जाएगा, और जो लोग ये सोचते रहेंगे भाई कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरी तरह भाई। मैं भी कुछ इसी प्रकार सोच रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में फिर से ख्याल आया कि मुझे जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वीडियो शूट करने का, एडिट करने का, अपलोड करने का, तो मैं उसी पर काम कर सकता हूँ ना भाई। तो मैंने फिर से वीडियो पर काम करना स्टार्ट कर दिया भाई। तो गाइस आज के इस न्यू ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।